स्टूडेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम टू IITians. बच्चों फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें. आप टू IITians से गूगल मीट पर लाइव क्लास भी कर सकते हैं और हमारी फीस इतनी ज्यादा नहीं, सिर्फ इतनी है. A करंट ऑफ 5 mA इज पासिंग थ्रू अ वायर. तो भाई क्या है करंट अपना 5 mA. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग पर मिनट, यानी टाइम है अपना 1 मिनट. 1 मिनट यानी 60 सेकेंड. थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन के अंदर से, क्योंकि शायद हमें जरूरत ना पड़े. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहाँ पे फिक्स रहेगा हर बार, आपको यही लेना है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम. ये आप अपने जूनियर क्लासेस से, केमिस्ट्री क्लासेस से भी जानते होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है −1.6 × 10⁻¹⁹. हम लोग को यहाँ पे माइनस की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने माइनस नहीं लिखा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मैग्नीट्यूड से मतलब है इस तरह के क्वेश्चंस में, जहां पे हमें करंट कैलकुलेट करना हो या करंट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो या टाइम निकालना हो या चार्ज निकालना हो, ऐसा चलेगा. तो अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, एन और ई, और मतलब दो पेयर है, एक एन और ई का पेयर है और एक आई और टी का पेयर है. तो फॉर्मूला क्या होता है, Q = Ne, और एक और फॉर्मूला होता है Q = IT. काफी लोग को पता भी होगा पहले से. तो इन दोनों को मिला के हम लोग बोल सकते हैं Ne = IT. लेकिन मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं Ne = TI. तो इससे क्या नाम बढ़ जाता है, एक लड़की का नाम, नीति. ठीक है. अच्छा, तो Ne = IT या TI, जो बोलना चाहें आप. अब यहां से Q की आपको जरूरत नहीं है, हमें N ही निकालना है. N = TI / E या IT / E, जो लिखना चाहें. तो शुरुआत आप सीधे, अब क्योंकि ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि Q = Q है. तो अब आप आगे शुरुआत सीधे यहीं से कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो आइसोलेट कर लीजिए. हमें एन चाहिए तो TI / E हो गया. तो टी क्या है, 60. आई क्या है, बोलो भाई, 5 mA. मिली एम्पियर को 5 × 10⁻³ लिख सकते हैं एम्पियर. ठीक है ना, सब आसान चीजें हैं यार. फिर उसके बाद 1.6 × 10⁻¹⁹. अब देखो N = क्या हो जाएगा, 300 / 1.6 × 10⁻¹⁹. ऊपर चला गया तो 10⁻¹⁶. अब बताओ भाई 300 / 1.6 क्या होगा, बोलिए भाई. अब यार चलो कर लेते हैं 300 / 1.6. ठीक है, 4 × 16, 4 × 7 = 28, बचा 2 = 20, 4 × 5 = 20, 4 है ना, 2 2 से काटते तो और लंबा हो जाता, 4 × 4 बचा 3 = 35, 4 × 32 बचा 3 = 30, 4 × 7 = 28 बचा 2 = 20, 187.5. ठीक है, N = 187.5 × 10⁻¹⁶. अब देखिए ये लोग क्या आंसर दे रहे हैं, ये लोग 1.875 बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1.875 हम भी बोल लेंगे. ए 2 उधर माइग्रेट कर रहा है ना, ये सब चीज हम लोग हर चैप्टर में करते हैं, 10⁻⁷ से डील हमें करना ही पड़ेगा. उधर माइग्रेट कर रहे हैं यानी 100 गुना कम हुआ, यानी ये वाला 100 गुना बढ़ाना पड़ेगा, ये हो गया 10⁻¹⁸. पास हो गया काम अपना.
सो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.